Hello everyone, assalamu alaikum and welcome back to my vlog. So guys, actually मैंने vlog पहले से start कर दी थी और मैं intro shoot करना भूल गई थी और मैं इतना पसीना पसीना हो गई हूँ और क्यों मुझे इतना गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको vlog में पता चलेगा. So let's enjoy the ईद vlog. So अब्बू और अब्बू दोनों भी नमाज के लिए गए हैं, ईद की नमाज के लिए, और अभी जस्ट गए हैं और 7:15 की जमात है और अभी 7 बज रहे हैं. तो मेरे पास थोड़ा टाइम है तो फटाफट से झाड़ू मार लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, जो भी बच्चे कुछ काम है करके वो कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ नहा के अच्छे से रेडी होती हूँ. बुने बोले रेडी होके रहना. रेडी होने के बाद मैं बिल्कुल नहीं करने वाली. और ऊपर से क्या हो गया कि हमारा जो एसी का रिमोट है वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया. रहता बिस्तर पे ही है तकिए के पास, हम लोगों को लगती है एसी, तो वो मिल रहा नहीं है. तो मैं बोली रेडी होके काम करके फिर पसीना पसीना चिपोली नहीं हो रहा है, मतलब कोखनी में, मतलब चिपचिपा बोलते ना एकदम चिकना, जैसे अभी दिख रही हूँ वैसा, मेरे को उसको चिकोली बोलते हैं, तो मेरे को वैसा बिल्कुल नहीं होना. एकदम फ्रेश रेडी होके बैठना है, फिर डायरेक्ट दोपहर का खाने का देखना है मुझे. तो क्योंकि मैंने शिरकुरमा भी बना के रख लियो, अभी कुछ पकाने का मेरे को ज़रा भी टेंशन नहीं है, चाय भी बना के रख ली, तो मेरा सारा काम हो गया है, थोड़ा बड़ा काम बचा हुआ है. तो फटाफट करते हैं और मिलते हैं नहा के फ्रेश होके. तो गाइज मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी और ये है मेरा आज का आउटफिट, जो कि दिख रहा नहीं है. इब्राहिम आने के बाद मैं उनको बोलूँगी कि दिखाने के लिए. और गाइज एक प्रॉब्लम हो गई है, मम्मा का 2 बार फ़ोन आके जा चुका है मेरे नंबर पे, और मैंने तो सोची थी कि जब ये आएंगे नमाज़ पढ़ के तब हम लोग दोनों साथ में फ़ोन करके उनको ईद विश करेंगे, बट मैं 2 बार फ़ोन नहीं उठाई. बट फिर मैंने सोची कि नहीं यार, मम्मा बहुत एक्साइटमेंट में फ़ोन कर रही रहेगी ईद के लिए, तो इब्राहिम अभी तक नहीं आ रहे, तो बोली चलो कोई नहीं, और वो अपना फ़ोन छोड़ के गए यहाँ पर. तो मैं बोली इब्राहिम के फ़ोन से ही लगाती हूँ मम्मा को. कहा गई मम्मा, ये हमारी फोटो किसमें दिख रही है, उठाओ उठाओ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ईद मुबारक. ईद मुबारक. मैं भी कर रही हूँ ना बुशते को. हाँ ना, कितनी याद आ रही तेरी मेरे को. अरे यार रो मत. क्या है मम्मी? मम्मा रो क्यों रहे हो? अच्छा तो मेरे साथ मिलती ना नमाज पढ़ने करने, वीडियो कॉल करते. सोई थी कि नहीं? हाँ मैं सोई थी, मैं 2 घंटा सोई थी. चलो वीडियो कॉल कर रही हूँ मैं, नेट ऑन करो. हाँ नहीं नेट. हाँ हाँ ऑन है नेट. अल्लाह मेरी देखा, मैं इसके लिए बोली कि मैं इब्राहिम के आने तक का वेट नहीं कर सकती. मम्मा ने 2 बार फोन किया, बहुत ज्यादा मिस कर रहे रहेंगे. अल्लाह मेरा बच्चा. अस्सलाम वालेकुम मम्मी. वालेकुम अस्सलाम. ईद मुबारक. ईद मुबारक तुमको भी बहुत बहुत. मैं व्लॉग शूट कर रहा मम्मा, सलाम करो व्लॉग में. सलाम करो. अस्सलाम वालेकुम. तो कैसे है आप सब? और रो रहे क्या थे? मैंने व्लॉग में सुना ही सबको कि अम्मा रो रही है देखो करके, फोन स्पीकर पे था. तो येड़ा रड़ता उसका है. हाँ बड़ी अम्मी क्या कर रही है? का है? वालेकुम अस्सलाम बड़ी. ईद मुबारक. देखो भी ईद मुबारक. क्या करी, मामू जाना है क्या? नहीं अभी आएंगे. तो गाइस जैसे आपने देखे कि मम्मा कितना ज्यादा इमोशनल हो गई थी और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है बट मेरे को रोना नहीं है, कोई नहीं. तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शिरकुरमा, अभी मैंने गरम करके रख दियो कि जैसे अब्बू और इब्बू आ जाए तो वैसे हम लोग तीनों शिरकुरमा पियेंगे. मैं भी अभी तक पी नहीं, इतना मन कर रहा टेस्ट करने का, पर रात में मैंने ना टेस्ट की थी थोड़ा सा. ये देखो मेरा शिरकुरमा, माशाल्लाह माशाल्लाह. जाफरान ने भी अपना कलर छोड़ दिया. और रात में चांदरा के दिन पूरा सेटअप की थी, चेंज वेंज कर दी थी, कालीन वगैरह और पर्दे. तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ मेरे घर का. यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये भी मैंने न्यू बाई की हूँ, ये डोरमैट. एंड दिस इज माई ब्यूटिफुल होम. वेलकम. दरवाज़ा बंद कर लेते हैं. बाय द वे मेहंदी का कलर देखो माशाल्लाह, बचपन से ही अच्छा आता है.
और न्यू कवर्स ये तो मैंने ना रमजान के पहले ही मैं डीमार्ट गई थी ना, तभी ले ली थी डीमार्ट से। ये हो गया ये वाला तिड़न तिड़न तिन तिड़न तिन तिड़न तिड़न तिन। वेलकम टू माय बेडरूम। सो गाइस ऐसे ही इतना प्यारा लग रहा है कि लाइट ऑन करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस कर्टन हटा दूंगी, फिर भी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देती हूँ। ये है मेरा रूम। आप लोग को पता ही रहेगा मैं बिफोर आफ्टर भी लेने वाली थी, बट मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था। सो मैंने थीम दी हूँ ब्लैक एंड वाइट का मेरे बेडरूम में, क्योंकि इनको भी ब्लैक एंड वाइट बहुत पसंद है। इन्होंने बोले मेरे को ब्लैक कर्टन चाहिए, तो मैं बोली चलो ठीक है ब्लैक कर्टन चाहिए तो हम ब्लैक एंड वाइट थीम दे देते। और ये है इब्राहिम की ट्रॉफीज एंड ये है हम, और नीचे है कश्मीर की बोर्ड। हमने कश्मीर से लेके आए थे, हमने नहीं इन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे जब हमें 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे 10 तारीख के दिन। मैं शाम से लगी हूँ पूरी घर की साफ सफाई तो 2-3 दिन पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ तो बिल्कुल नहीं होता वरना मेरी तबीयत खराब हो जाती। तो घर की साफ सफाई हो गई थी, फिर भी मेहंदी लगाई हूँ मैंने। तो पता है मेहंदी लगा दी तो पूरे घर में मेहंदी होती है, और मैं एक जगह बैठ भी नहीं सकती क्योंकि मेरे को ही हर चीज़ में मेरे को ही ध्यान देना पड़ेगा इकलौती लेडीज में। बात ही अलग है। नहीं यार, लेकिन आप लोगों को पता है एक दिन की बात, देखो यहाँ पे है ना अभी इब्राहिम भी नहीं और अब्बू भी नहीं है, तो मेरे को बोलना था कि इन लोग एक ऐसा डरा रहा है। मैं बात करी जो से पर्दा खसका नीचे से बिल्ली, मेरे को तो अभी अटैक आ जाता। सीट बोली पर घर पे कोई नहीं, मैंने पर्दा क्या सीखा पागल, कालिया ही रहेगा, कालिया ही है, मतलब हमारी ब्लैक कलर की एड्रेस को हम लोग कालिया बोलते हैं। हाँ मैं बोल रही थी कि ना मेरे को ना ऐसे टाइम में ना अम्मी की बहुत याद आ रही है, मतलब मेरी अम्मी नहीं इब्राहिम की अम्मी की, मेरी मदर इन लॉ की। अभी वो रहते थे ना, मतलब मेरे को पूरे रमज़ान क्या यार, पूरी मतलब शादी से जब इस घर में मैंने कदम रखा ना तब से, क्योंकि ना ऐसा नहीं कि मैं उनसे कभी बात नहीं की हूँ, मिली नहीं हूँ, मैं उनको पहले से जानती हूँ, मैं बातचीत है हम लोग की अच्छे से। हम लोग ये ईद तो मैं मिलने भी आई थी उनसे लास्ट ईयर यही ईद के दिन, और हम लोग जैसे आप लोग ने मेरा ब्लॉग देखे रहेंगे ना लास्ट ईयर का रमज़ान का ब्लॉग देखना, उसमें हम लोग मोहम्मद अली रोड गए थे सहरी करने के लिए, मैं मम्मी इब्राहिम और इब्राहिम की मम्मा। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, और इतनी मैं कल भी सेटअप करी ना, अभी भी लिटरली मेरी आँख भरने आ रही है, इसलिए ना मैं जल्दी इमोशनल बात करती नहीं हूँ। मम्मी से भी मम्मा भी रोने लग गई थी ना, तो मैंने टॉपिक चेंज कर दी थी। तो मतलब कल मैं पूरा सेटअप कर रही थी ना घर का, तो मेरे को भी अम्मी की इतनी याद आ रही थी, और अब्बू और इब्राहिम तो बहुत सैड ऑब्वियसली है ही यार, तो अम्मी की मेरा पहली ईद है, इसलिए ना मैं ना जानबूझ के ना टॉपिक कुछ छेड़ ही नहीं, कि दोनों के दिल में है, लेकिन उन लोग दोनों भी दिखा रहे नहीं ना खुश दिखा रहे कि मेरी भी पहली ईद है, तो उन लोग ऐसा नॉर्मल दिखा रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं बोल रही कि जब दिल में है तो सामने से बात करके ना और उनको हर्ट ना करूँ मैं, इसलिए मैं बोली अभी कोई भी नहीं है ना उनको बोलना था। मैं कब से बोली किसके पास बोलूँ, तो मैं जब ब्लॉग बना रही तो ब्लॉग में बोल देती हूँ। तो मम्मी आई मिस यू यार, मतलब मैंने बहुत सोची थी कि शादी होगी तो अम्मी हम लोग ये करेंगे, अम्मी हम लोग वो करेंगे, और इब्राहिम ने मेरे को एक बार बताया था कि अम्मी है ना पाउडर तक नहीं लगाते, उनको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे को मेकअप का बहुत शौक है। तो मैंने इब्राहिम के भी बोली थी कि शादी के बाद देखना अम्मी को मेकअप करूंगी मैं, एकदम लाइट साइज थी पाउडर लगाना, थोड़ी बहुत काजल वगैरह, वो काजल भी नहीं लगाते थे। तो मतलब अभी ईद के टाइम पर ना ऐसी याद आ रही है कि अभी रहते तो अम्मी हम लोग दोनों अभी अब्बू और इब्राहिम नीचे गए नमाज को, और अम्मी और मैं रहते तो अभी एक दूसरे रेडी करते चलता था। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और अब्बू इब्राहिम और आयशा आपको थोड़ा सफर दे। खैर कोई बात नहीं, हम माहौल को थोड़ा सेट नहीं करेंगे, तो हम अभी अपना मूड ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होगा तो फिर इब्बू और अब्बू का ऑलरेडी मूड ऑफ है, तो उनका और फिर सेट हो जाएगा माहौल। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों ने घर देख लिए, शिरगुरमा देख लिए, अभी आपको बस इब्बू को देखना बाकी है। तो इब्राहिम आएंगे तो मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। इब्राहिम ने मुझे ईदी क्या दी है मैं भी देखूँ, भाई पहली ईदी है भाई मेरी, पहली ईद है उनके साथ, क्योंकि हर ईद में जब लगी शादी भी नहीं दी, और 2-3 हज़ार रुपये ऐसा देते थे हर ईद में, 4 साल मेरे को दिए। तो अब जब मैं ऑफिशियली उनकी वाइफ हूँ और हमारी पहली ईद है, तो लेट्स सी कि क्या मिलता है मुझे, आई एम एक्साइटेड। बस मेरा पचका नहीं करना, हाँ प्लीज़ मेरा पचका नहीं करना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गिफ्ट को लेके, ईदी को लेके। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
ईद मुबारक सभी को। कब से सब वेट कर रहे हैं। मैं बिचारी पहले दिखाई, मैं भर के काम की, फिर दिखाई के मैं नहा धो के रेडी हो गई, फिर दिखाई, फिर मैं मेकअप, फिर थोड़ा बड़बड़ की, फिर उसके बाद थोड़ा मेकअप करके स्काफ पहन के बैठी, फिर बोली आएंगे। अरे हाँ, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ईदी एवा, अरे ओ थैंक यू। अबेर, अरे मेरे को पिनाओ तो। अरे कोई इतना भीड़े कैसे हो सकता है, इतना भीड़े। पर थैंक यू, लेकिन यार थोड़ा रोमांटिक हो गया। आओ। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मेरी ईदी ऑनलाइन मार, हाँ मार देना, आ जानी चाहिए। ओके ओके जरूर। वेलकम होम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। देख शायद ईद वो ये देख, अगर मामू की सैंडविच के हाथ लगा ना, मामू ने मेरे लिए सैंडविच होते मामू ने सैंडविच ना मेरे लिए रखे सुना है तूने, मामा के लिए मैं खाने जा रहा हूं, जाऊंगा चाप लेके आऊंगा। एक सैंडविच के लिए एक काम करो, दोनों में से कोई भी मत लो, सैंडविच मेरे को दे दो। मामू ने क्या, एक मिनट रुको मैं लेके आता हूं। मामू ने क्या बोला, क्या बंटवारा है। सुना चाहिए इधर आकर ऐसा बोल, मामू को ऐसा बोल, बोलना मामू खा रहे आप, नहीं उठा दूं क्या, ले क्या लेने गया मामू का सैंडविच। सैंडविच के लिए रो रहे, मैं अंदर काम कर रहा हूँ। मामू ने दिए नहीं। मैं बुरा मान जाता था मामू, बुरा मान जाता था, मैं इसको दे दे दो। अरे काटू शाहिद अमान, मेरा हाथ देख रहे हो तुम लोग, ईदी मांगने के लिए हाथ। मेरे मालूम है, मैंने भी मेहंदी लगाया, डिब्बी में बोला था, डिब्बी थी अच्छी वाली बॉक्स। तू और भाई कब लिए फिर भाई, लाइट वाला। एक्चुअली मैं डिब्बी नहीं दिखा रही हूँ, मैं तेरे को रिंग दिखा रही हूँ। भाई ने ईदी दी है, देख ये वाली। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये वही वाला है जो कॉल कर रहे थे पैसे के लिए, ये कौन सा, जीपे मारने के लिए, ये पागल मम्मी के लिए। अरे जीपे के लिए फोन कर रहे थे, मम्मी को मैं ईदी ले रही थी। सलाम वालेकुम जावई जी, या माझ्या घरात तुमचं स्वागत आहे। अच्छा अभी तो स्मार्ट है ना मेरे जावई जी। ईद मुबारक। ये देखो मामू जाने पुणे ईदी दिए, ये वाली, ये वाली हाँ निकाल। थैंक यू, थैंक यू मामू जान। ओ जाओ जी, ओ कैसा ईदी देनी पड़ेगी, तो बिल्ली के साथ खेलने का नाटक कर रहे हैं। ईदी वो है ना छुट्टी, अरे बकरा ईद पे ईदी होती है। नहीं बॉस तो उधर है। अच्छा अप्पी क्या, हाँ शाम में आती हूँ अप्पी के पास, आपको एक चीज दिखाती हूँ, मम्मी की ईदी दिखाती हूँ। अरे वाह मम्मी के लिए, बहुत अच्छी। सो गाइस हियर इज माय देवर, फाइनली उससे मुझको ईदी मिलने वाली है। एक्चुअली भाभी को देना चाहिए, लेकिन ना बोले कि देखो मैं छोटी हूँ सबसे, क्या हाँ मैं बोली देखो मैं छोटी हूँ तो तुम्हें मुझे देना चाहिए, भाई तुमको देगा। सो लेट्स गो। अरवाज अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, आई मीन ईद मुबारक अरबाज, ईद मुबारक। छोड़ो। सो गाइज आज ईद स्पेशल बना है मटन बिरयानी, अब बस जल्दी जल्दी से पक जाए और फटफट आराम करके शाम को जाना है मम्मा के घर।
सो गाइज मैं हो गई हूँ पूरी रेडी. दोपहर में हम लोग सो गए थे, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और बीच बीच में गेस्ट भी आ रहे थे तो उनको भी अटेंड करना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की. मैं जा रही हूँ मम्मा के इधर क्योंकि मम्मा से मिली नहीं थी. आप लोगों ने देखा मम्मा रो रहे थे, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था. और मम्मा के लिए मैंने ली हूँ ईदी. सो लेट्स सी मम्मा का रिएक्शन. बाप रे बाप, इतनी सारी चप्पल है. सब आ गए सब आ गए. गाइस मैं ना अंदर सबसे मिल के फिर व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, है ना बीटू? उसको हमारे घर के मेहमान है ना. एक टाइम पे मेरा घर हुआ करता था, है ना मामूजान? अब नहीं करता है. ऐसा नहीं है अभी, कभी कभी है जरा. आपा ईद मुबारक. ईद मुबारक. व्लॉग में रह गया था ना. थैंक यू. हाँ दो ना, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी. ये रखो तुमको बच्चों को देने. नहीं नहीं ये एक सेकंड रखो. अरे एक सेकंड रखो. अरे पहले पकड़िए बड़ी, एक सेकंड पकड़. मम्मा ईद मुबारक. अरे यार ये तो पहले पर प्राइस बोल दिए. खोलो तो तुम रोते थे ना, वो कान का मेरा है, मेरा है कान का, वो मेरे को लाके दे. ए लो फूको वाला पहनो. दो दो है अपने. अरे मजाक रे पहनो. दो दो है पहनो. क्यों क्यों मतलब लो दो, मैं पहनती हूँ. नहीं नहीं तुम्हारी ही दी है. अरे पैकेट के वो है, बिल है, बिल है. कभी कुछ एक्सचेंज हो एक्सचेंज. देखो ये पहले ऐसा लगा, बाद में दिखा होता है. ए जा पैकेट कैसा लगा? बुरा लगा. बुरा लगा जोर से. बहुत बड़ा लगा मुझे. बहुत बुरा लगा उसको बोलना, है ना? हां है ना. हां लाओ लाओ. मांग के लेती तो मांग के लेने की बात है. तीनों बच्चे फ्री में. तो उन लोग की माँ को क्यों दे रही है? अब मेरा बच्चा नहीं तो समझ में आता है. मैं ले रही हूँ. देती है हर साल. देखो क्या प्रॉब्लम है. तो चुप. मेरे को बहुत प्रॉब्लम है. हाँ इधर मेरे पास नहीं आने का. इब्बू खालू के पास जाओ. जाओ सब लोग लाइन लगा जाओ. सारा 500 रुपए दी. क्यों उसके लिए? क्यों अच्छा सबको हिस्सा उसमें. अरे माँ लाख हलम 500 रुपए दो मेरी दी. तेरे लिए कुछ लाना चाहिए था इस बार पहली तेरी ईदी. नहीं नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगा रहा. कितना दी अम्मा ने? 1000 रुपए पहली ईदी ना उसे चाहिए. क्या नहीं ये अम्मी का है. अम्मी कुछ भी अल्लाह नहीं ने बोल के रखे. वो भी तो तू ले ला लिया. बाबू याद दिए मैं यहाँ पे इसको दे दिया. सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे.